अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर द शो एंड आई टोल्ड यू दैट इट हैज़ टू पार्ट्स। वी हैव रीड द फर्स्ट पार्ट एंड इट वाज नॉट एंडेड प्रॉपरली एंड देयर वाज सम सरप्राइज फॉर अस, सो वी आर नाउ ब्रेकिंग दैट सरप्राइज बाई रीडिंग द शो पार्ट टू एंड वी विल गेट टू नो दैट वट इज़ द रियल एंड ऑफ दिस स्टोरी। सो टूडेज ऑब्जेक्टिव्स आर, students will be able to understand the given text, improve and enhance reading skills, learn new vocabulary words. Okay students, here is the text in front of you. Without any delay, I am starting the reading of the show part 2. When Aunt Emily woke up, she thought at first that the group of small boys around her was a dream. यानी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि आंट एमिली सो रही थी, सारे बच्चे उनकी खराटे सुनते हुए उनके गिर्द इकट्ठे हो गए थे और फिर जब आंट और विलियम ने नोटिसेस लगा दिए थे कि और फिर जब बच्चे बहुत इंटरेस्ट से उनको देख रहे थे लाइन बनाकर, तो अचानक से आंट एमिली की आंख खुल जाती है। वो आंख खुलने के बाद क्या होता है कि वो ये समझती हैं कि मेरे इर्द गिर्द छोटे बच्चों का, ये छोटे लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है, ये सब मेरा ख्वाब है। Then she sat up and saw the things on the bedside table, the notices, and finally William dressed as the showman. फिर उठ के बैठती हैं और इर्द गिर्द जब अपनी बेड्स की साइड टेबल के साथ चीज़ें देखती हैं तो वह हैरान हो जाती हैं कि कुछ नोटिसज लिखे पड़े हैं और विलियम जो है बिल्कुल शोमैन की तरह के उस कपड़े उसने पहने हुए हैं। शी स्प्रैंक आउट ऑफ बेड, यानी वो एकदम छलांग लगाती हैं बेड से, यानी फ़ौरन से उठती हैं। एंड सीज्ड विलियम बाय द शोल्डर, और विलियम को कंधों से पकड़ कर ज़ोर से हिलाती हैं। यू विकेट बॉय, तुम बदतमीज़ यानी लड़के, यानी विकेट का एक्चुअल मतलब होता है ऐसा बंदा जो बुरे काम करता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बच्चा कोई बुरा इतना काम नहीं किया, वो शरारत कर रहा था, सो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे तुम शरारती लड़के या तुम बदतमीज़ लड़के। शी क्राइड एज शी शूक हिम, वो चीखती हैं चिल्लाती है जैसे ही वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती, झंझोड़ रही होती। विलियम एस्केप्ड एंड रैन इनटू द नेक्स्ट रूम, विलियम अपनी जान छुड़ाता है और बचते हुए दूसरे कमरे में भाग जाता है। इट वॉज एम्प्टी, द रूम वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हेनरी, अब सारे लोग उस रूम से चले जाते हैं सिवाय वहाँ पर हेनरी खड़ा रहता है। द लास्ट ऑफ द ऑडियंस हैड एस्केप्ड एंड वर क्रॉलिंग अलोंग द टॉप ऑफ द गार्डन वॉल, अब जो आखिरी ऑडियंस थी यानी हेनरी जो था वो भी भागता है और सारे बच्चे जो आखिर में रह गए थे वो सब क्रॉलिंग करते हुए गार्डन वॉल के टॉप से गुजर जाते हैं। विलियम सेड टू हेनरी, शी इज़ जस्ट वोकन अप एंड शी इज़ फ्यूरियस, विलियम ये हेनरी को कहता है कि वो उठ गई है और वो बहुत ख़तरनाक हुई हुई है, यानी वो बहुत गुस्से में है। आंट एमिली वॉज मूविंग नॉइजली अराउंड इन हर रूम, आंट एमिली अपने कमरे में बहुत शोर मचाते हुए घूम रही होती हैं। लेट्स काउंट द मनी, सेड हेनरी, हेनरी अब क्या कहता है कि चलो जितना भी हमारा पैसे इकट्ठे हुए हैं शोर से और उसको काउंट करते हैं। दे काउंटेड 4 pounds 50 pence, यानी उन्होंने 4 pounds and 50 यानी 50 pence इकट्ठे किए हैं। जैसे हम लोग कहें कि 4 rupees and 50 paise, ठीक है, इस तरह की ये उनकी अमेरिकन्स की जो है वो होती है करेंसी पाउंड्स में, और फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है पेंस। दैट्स प्रेटी गुड, सेड विलियम, अब विलियम क्या कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। विदाउट आंट एमिली वी वर ओनली गोइंग टू मेक अबाउट 2 pounds or so, यानी आंट एमिली के अलावा हम सिर्फ 2 pound ही बना सकते थे या शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा। सडनली अचानक आंट एमिलीज डोर ओपन, आंट एमिली का दरवाज़ा खुलता है एंड द बॉयज कुड हियर हर हैवी स्टेप्स गोइंग डाउन द स्टेयर्स, और लड़के आवाज़ सुनते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे उनके भारी भारी कदम आ रहे होते हैं। विलियम शिवर्ड, विलियम खौफ से कांपने लग जाता है। व्हाट वुड हिज फादर से, उनके बाप मतलब इस बात में उसके फादर क्या कहेंगे। विलियम्स मदर हैड रिटर्न फ्रॉम हर विजिट एज आंट एमिली, वेयरिंग हर कोट एंड हैट एंड कैरिंग हर बैग अराइव एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। विलियम की माँ जो है, जो आपको मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, वो हर दोपहर को अपने फ्रेंड को मिलने जाती है, तो वो वापस घर आती है तो क्या देखती है कि आंट एमिली ने कोट पहना हुआ है, सर पे टोपी की हुई है, बैग उठाया हुआ है और वो सीढ़ियों से नीचे सीढ़ियों के एंड तक पहुँच गई हैं। विलियम्स फादर हैड जस्ट वोकन अप फ्रॉम हिज नैप, ये भी मैंने आपको बताया था कि विलियम के फादर भी नैप लेते हैं आफ्टरनून में, तो वो भी सोए हुए थे तो वो भी उठ गए। एंड हैड कम टू द हॉल, और वो हॉल में आ जाते हैं।
आंट एमिली स्टेड एट हिम. आंट एमिली उनकी तरफ घूर के देखती है. किसकी तरफ? विलियम के फादर की तरफ. प्लीज़ रिंग फॉर अ टैक्सी एट वंस. फ़ौरन टैक्सी वाले को कॉल करो. आई रिफ्यूज़ टू रिमेन इन दिस हाउस अ मोमेंट लॉन्गर. मैं अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती. शी देन टोल्ड विलियम्स पेरेंट्स हाउ शी हैड बीन ऑन शो. फिर वो सारा कुछ बताते हैं विलियम के पेरेंट्स को कि किस तरह विलियम ने उनको उसको एक शो का हिस्सा बना दिया था और वो शो में पड़ी हुई थी. मदर सेड सॉरी एंड फादर वेंट टू फोन फॉर अ टैक्सी. जो विलियम की माँ होती है वो उनको बहुत सॉरी करती है और फादर जो है वो फ़ोन करने चले जाते हैं टैक्सी वाले को. अ क्राउड ऑफ डर्टी लिटिल बॉयज़ एंड दोज नोटिसेस. अब वो गुस्से में बोल रही हैं आंट एमिली कि गंदे छोटे लड़कों का एक ग्रो और फिर जो है वो ये नोटिसेस, यानी वो जो नोटिसेस उसने लिखे थे. एंड मी इन अ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ टू, और मैं एक बीमार हालत में हूँ इस टाइम. इफ़ दिस हैड नॉट हैपन, अगर ऐसा ना हुआ होता आई माइट हैव स्टेड यू विद यू ऑल द विंटर एंड परहैप्स पार्ट ऑफ द स्प्रिंग. यानी अगर ये ना हुआ होता तो मैं पूरी सर्दियाँ यहाँ पर रुकती और शायद बाहर के कुछ दिन भी रुक जाती. यानी आंट एमिली का बहुत लंबा प्लान था वहाँ पर रुकने का. फादर वाइप्ड हिज फॉरहेड. फादर अपने माथे से पसीना पोंछते हैं. मदर सेड सॉरी अगेन. मदर दोबारा सॉरी बोलती है. एंड आंट एमिली वेंट ऑफ इन अ टैक्सी. और आंट एमिली टैक्सी में सवार होकर चली जाती हैं. विलियम फादर शाउटेड अप द स्टेयर्स. अब फादर जो है वो सीढ़ियों की तरफ ऊंची आवाज़ में चलाते हैं. विलियम भाई ऊपर है वो तो वो नीचे आ गए. विलियम वेंट डाउन स्टेयर्स. विलियम नीचे आता है स्टिल इन ड्रेसिंग गाउन. तो अभी तक वो ड्रेसिंग गाउन में ही होता है जो उसने पहना था. विद हाफ अ मॉस्टेज ऑन हिज फेस. और उसकी आधी मूछें उसके फेस पर और आधी गिर गई होती हैं. इज इट ट्रू वट योर आंट सेड. जो तुम्हारी खाला या पप्पो ने कहा वो ठीक था. विलियम लुक्ड इनटू हिज आईज. विलियम उनकी आंखों में देखते हैं. सडनली बिकेम होपफुल. अब विलियम को पहले लगता है कि वो शायद उसके साथ गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वह जब उनकी आंखों में देखता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गुस्सा नहीं कर रहे बल्कि फादर भी इस बात में खुश हैं कि आंट एमिली चली गई. और फिर अचानक से विलियम जो है वो पुरउम्मीद हो जाता है. यानी मैंने कुछ गलत नहीं किया. फादर वॉज नॉट अ गुड एक्टर. फादर जो है कोई अच्छा एक्टर नहीं थे. मतलब वो अच्छी तरह एक्टिंग नहीं कर सकते गुस्सा करने की. कि छोटा सा बच्चा पहचान गया था कि वो गुस्से में नहीं है. येस ही सेड. तो उसने कहा हाँ, जो आंट एमिली ने कहा मैंने वैसा ही वही किया है. That was very wrong, said father. That's all. फिर उसके फादर कहते हैं ये बहुत गलत था. Something small and hard was put into William's hand as he started to run back upstairs. यानी जब हम फादर की बात सुन के वापस मुड़ना चाहता है तब उसको फादर उसके हाथ में कुछ गोल सा छोटा सा और सख्त सी चीज़ पकड़ाते हैं. अब आपके जहन में वो क्या चीज़ आती है? वो गोल सी छोटी सख्त सी चीज़ क्या हो सकती है जो अक्सर पेरेंट्स या फादर स्पेशली जब आपसे किसी काम से खुश होते हैं तो आपको देते हैं. क्या चीज़ देते हैं आपको? समटाइम्स खुश होते हैं तो आपको पैसे देते हैं. ठीक है. सम दैट डिडंट टेक लॉन्ग, सेड हेनरी सरप्राइज्ड व्हेन विलियम एंटर्ड द बेडरूम. हेनरी जब विलियम कमरे में दाखिल होता है तो हेनरी जो है वो क्या कहता है कि अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी. यानी बोज और एरोस कलेक्ट करने में. विलियम ओपन्ड हिज हैंड एंड शोड हेनरी व्हाट हिज फादर हैड पुट इनटू हिज हैंड. विलियम अपने हाथ जो है हेनरी को दिखाता है कि उसके फादर ने उसके हाथ पे क्या रखा. लुक इट वॉज अ शाइनिंग 1 pound कॉइन. यानी देखो ये क्या था, एक चमकदार 1 pound की कॉइन थी. यानी उनके पास जितने पैसे थे उनमें 1 pound का इजाफा हो गया. अब वो इजीली बोज और एरोज खरीद सकते थे. तो ये एक बहुत मज़े की स्टोरी थी जिसमें बच्चों की थोड़ी सी शरारत भी थी. और ये भी दिखाया, इसमें बताया गया कि किसी भी मेहमान को इतना अरसा घर में नहीं रुकना चाहिए कि घर वाले उनसे तंग आना शुरू हो जाए. वैसे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हदीस से मुबारक है कि आपको 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई बंदा स्टे करता है तो वो उस घर का फ़र्द बन जाता है. तो हमें भी चाहिए कि हम अगर किसी के घर मेहमान बन कर जाएँ तो हम फॉर दैट टाइम स्टे करें जितना जो है वो लोग भी अफोर्ड कर सकें. चलें बेटा, आपने इन दो इस पेज की रीडिंग करनी है और फिर हम कल इंशाल्लाह इसकी वोकैबुलरी और इसके सेंटेंसेस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.